ट्यूशन ने फिल्म बनाई, विद्यार्थी ट्यूशन ने ऐसा किया, विद्यार्थी ट्यूशन ने वैसा किया, उन सब आरोपों को आपके सामने स्पष्ट करने के लिए यह पत्रकार वार्ता आप लोगों से बातचीत का कार्यक्रम रखा। सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूंगा कि एक समाचार पत्र ने, सम्माननीय समाचार पत्र ने जो भी ए और बी करके बातचीत छापी है आज के अखबार में, उस बातचीत को हम एकदम सरासर स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन द्वारा सुनियोजित तरीके से वो रिकॉर्डिंग ऑडियो क्लिप कराई गई, यह हम पुष्टि करते हैं, यह हम प्रमाणित करते हैं। जिसकी किसी को आवश्यकता लगती है तो उसकी जांच करा सकते हैं। मैं जरा शुरू से जाना चाहूंगा, जैसे कि हम सबको ध्यान है 26 तारीख की शाम को यहाँ पर बाइक की चाबी छीनने के चक्कर में जो भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, जाम हुआ, कार्यकर्ताओं और पुलिस फोर्स के बीच जो भी झगड़ा हुआ, उस झगड़े में, धरना प्रदर्शन में, जाम में हमारे कार्यकर्ता बैठे थे और जिलाधिकारी महोदय के आने के पश्चात उनके आश्वासन पर हो गई है और विद्यार्थी परिषद दोषी नहीं है, ऐसा उनका उनके द्वारा कहा गया। उसके पश्चात हम लोग निष्फिक्र होकर तब अंत में जाकर जब कार्रवाई नहीं हुई जिलाधिकारी के 24 घंटे पूरे होने के बाद, और फिर हमने एक दो दिन और समय दिया, तब कल शाम को जाकर हमारे प्रांत मंत्री श्रीमान योगेंद्र जी, प्रांत उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र पचौरी जी और कुछ लोग जिलाधिकारी महोदय से कल शाम को मिलते हैं। उस मिलने के दौरान वहां पर पुलिस के आला अधिकारी भी बैठे हुए होते हैं, समाज के कुछ लोग और बैठे हुए होते हैं, तब जिलाधिकारी महोदय से कहा जाता है कि 24 घंटे हो गए और भी दिन एक्स्ट्रा हो गए, अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों जांच नहीं हुई, जिन जिन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई और जांच करने का आश्वासन दिया था, तो उनके द्वारा उनके आप लोग अभी शांति से जाइए, मैं जांच करके तुरंत वर्जन उनका आता है कि हम जांच कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता फिर शांति से लौट आते हैं कि ठीक है आप जांच कर लीजिए, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलने की बात पर हमारे कार्यकर्ता वापस आकर के आराम से बैठ जाते हैं और जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि मैं मीडिया में भी बात करूंगा, देखूंगा कि समाज का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, और हम लोगों की जिलाधिकारी महोदय से जो भी बातचीत हुई वो केवल शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, ये हम भी कहते हैं, विद्यार्थी परिषद का ये ऑथेंटिक वर्जन है। इसके बाद कल रात को मैं देखता हूं कि विद्यार्थी परिषद की दो ऐसी ऑडियो क्लिप वायरल की जाती हैं, जिन ऑडियो क्लिप में कहा जाता है कि विद्यार्थी परिषद पे कार्यालय पे तोड़फोड़ करने में विद्यार्थी परिषद के लोगों का हाथ है, और उन ऑडियो क्लिप को मुझे लगता है आप सब मीडिया बंधुओं के पास भी हैं, समाज के और भी लोगों के पास पहुंची हैं, प्रशासनिक लोगों के पास भी हैं, और ऐसे सभी लोगों के पास वो ऑडियो क्लिप पहुंची है। लेकिन उस ऑडियो क्लिप पे मैं अपना स्पष्ट विद्यार्थी परिषद का कहना है कि उस ऑडियो क्लिप में जिन जिन लोगों की आवाज स्पष्ट आ रही है उनके नाम हम आपको बाद में दे भी सकते हैं, नाम ओपन भी कर सकता हूं, ऐसे लोग जिनने विद्यार्थी परिषद के आरोप लगाए कि हाँ कार्यालय में तोड़फोड़ हुई, अपने लोगों ने की ऐसा किया वैसा किया, वो सब लोग विद्यार्थी परिषद के ना तो पदाधिकारी हैं, वो सब लोग ना तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, वो लोग 2-3 साल 4 साल पहले विद्यार्थी परिषद से लिखित में निष्कासित हो चुके हैं। आप सब लोग समाज क्षेत्र में रहते हैं, आप सब लोग सम्माननीय समाचार पत्रों के आप लोग पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं उनके नाम भी आपको ध्यान में, वो लोग विद्यार्थी परिषद के ना पदाधिकारी हैं। कोई दो व्यक्ति विद्यार्थी परिषद के बारे में बात करें कि विद्यार्थी परिषद ने अपने कार्यालय में तोड़ व्यक्तियों की बातचीत के आधार पे उन्हें हमारा कार्यकर्ता बताकर आज समाचार पत्र ने जो भी छापा है हम उसकी निंदा करते हैं। आदरणीय जो भी सम्माननीय समाचार पत्र है उससे आग्रह करते हैं कोई भी खबर लगाने के पहले, छापने के पहले एक बार स्पष्टीकरण हमारा भी ले लेना चाहिए था कि जिन लोगों ने ऐसा बोला है वो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं अथवा नहीं है। हमारा स्पष्ट मत है जो भी उसमें आवाज आपको समझ में आ रही है वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी नहीं है। तीसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या कीचड़ उछाल रहा है इससे हमारा प्रमाणित कोई नहीं कर सकता कि हमने तोड़ा किसने तोड़ा। चंडीगढ़ के जिले के लोगों को पता है 26 नवंबर को पुलिस की आतताई के कारण पुलिस जो बाइकों की चाबी छीन रही थी, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जाम किया और उस जाम को जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन की 24 घंटे के अंदर विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर जिनने तोड़फोड़ की और उस जाम के लगाने के कारक जो रहे उन पर कार्रवाई करेंगे, उन पर जांच करेंगे, इस आश्वासन पर वो जाम खोला गया। तब आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आज के एक समाचार पत्र में हमारे कार्यकर्ता बताते हुए दो लोगों की ऑडियो क्लिप का पूरा सार छपा है जिसमें विद्यार्थी परिषद को दर्शाया गया कि हमने स्वयं अपने कार्यालय पर तोड़फोड़ कराई, हम इसको श्रेय से नकारते हैं। विद्यार्थी परिषद यह स्पष्ट करती है कि जो भी वर्जन ए और बी करके जिस समाचार पत्र ने छापा है वो ना तो हमारे कार्यकर्ता है ना हमारे पदाधिकारी है, और जिनके आधार पे पुलिस कह रही है कि इनके पदाधिकारी है, हम स्पष्ट 3-4 साल पहले वो लोग विद्यार्थी परिषद से अनुशासनहीनता में निष्कासित किए जा चुके हैं, ये मैं स्वयं कहता हूँ।
दूसरा विषय पुलिस द्वारा, हम पुलिस पर सीधा आरोप लगाते हैं, पुलिस द्वारा बड़े सुनियोजित ढंग से विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने के लिए, विद्यार्थी परिषद की छवि धूमिल करने के लिए यह रिकॉर्डिंग कराई गई। मेरे पास भी एक रिकॉर्डिंग है जो मैं स्पष्ट कह सकता हूं। एक यहां इस जिले में सीईओ है श्रीमान पंकज जी, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है कि वो सीईओ पंकज जी उस रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि रात को 11 बजे मेरे घर पे आना, 11 बजे के बाद पीछे के गेट से आना, उसके बाद वो दो छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता आपस में बात करते हैं जिसमें आता है कि विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये स्पष्ट होता है कि जब सीईओ पंकज उसमें बात कर रहे हैं, स्पष्ट होता है कि वो पुलिस प्रशासन द्वारा सुनियोजित ढंग से एबीवीपी को बदनाम करने का क्रम चलाया गया। हम पुलिस प्रशासन को निंदा करते हैं, हम इस घटना की निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन को कहते हैं वो चेत जाए। और आज यहाँ आप मीडिया के माध्यम से, आप सभी भाइयों के माध्यम से आग्रह करते हैं कि विद्यार्थी परिषद इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करती है, जो दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पुलिस प्रशासन अपनी भूमिका स्पष्ट करे, देश के समाज के काम में आए, अलीगढ़ में भय का माहौल खत्म करे। दूसरा, अगर यह नया विद्यार्थी परिषद हमारे संगठन को, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता है तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेगी, ये उन पुलिस प्रशासन को हम बताना चाहते हैं। अभी आपने कहा था कि बाहरी छात्र थे वो, जो विद्यार्थी परिषद से कोई मतलब नहीं होगा, वो यहाँ कैसे आ गए अंदर? विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ा छात्र संगठन है, हम लोग हर कॉलेज कैंपस में काम करते हैं, हमारी हर कॉलेज कैंपस में यूनिट है, उस कॉलेज कैंपस में हम लोग कभी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, वो लोग आते नहीं थे, उनने ऑडियो आपस में बात की। अब दो व्यक्ति है, वो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात करने लगे, तो ये स्पष्टीकरण मैं दूंगा ना, मैं गलत हूं कि सही हूं, वो दोनों कैसे स्पष्ट कर देंगे मैं गलत हूं? जिस ऑडियो को आधार मान के एक समाचार पत्र ने आज पूरी घटना छापी है, उस ऑडियो को एक बार अध्ययन करना चाहिए, उस समाचार पत्र से मेरा आग्रह है उस ऑडियो को अध्ययन करके स्पष्ट उनके नाम जाने, नाम मैं बताने की स्थिति में भी हूं, वो ना हमारे कार्यकर्ता है ना हमारे पदाधिकारी है, 3-4 साल पहले हम उन्हें स्पष्ट निष्कासित कर चुके हैं। जांच पर कितना समय और आप इंतजार करोगे? हमारा स्पष्ट कहना है, हम जिलाधिकारी महोदय से, प्रशासन से, जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं, इस पूरी घटना की जांच सीईओ पंकज द्वारा और उन पूर्व छात्र नेताओं द्वारा जो बनाया गया है उन पर सख्त जांच करके कार्रवाई हो, ऐसा हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं। कल हम पुनः जिलाधिकारी महोदय से बात करने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे कि ऑडियो क्लिप जिस आधार पे अखबार ने छापा, आप इसकी जांच कराइए और कार्रवाई करिए, जिनने भी वॉइस रिकॉर्डिंग की है, जो भी सीईओ हैं, जो भी लोग हैं, उन पर हम सख्त कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं।